हार्ट बीट 150 से 170 तक हो जा रही है एक मिनट में। नॉर्मली एक मिनट में जो हार्ट बीट है वो 72 होती है, 72 पर मिनट। लेकिन अगर हार्ट बीट ये बढ़ जाए और लगभग कहां तक पहुंच जाए, 150 से 170 पर मिनट, यानी एक मिनट में इतना हो जाए, यानी लगभग जस्ट दोगुना हो जाए, तब होम्योपैथी की दवा से आपको रिस्पांस मिलेगा और जो हार्ट बीट है वो नॉर्मलाइज होगी। तो इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करते हैं कि सिम्टम्स कैसे हैं और कौन सी दवा लिया जाए, उसको अंत में देखेंगे। वीडियो छोटा सा है, थोड़ा टाइम दीजिए, समझ में आएगी कुछ चीजें। तो देखिए, जो हर्ट है उसका काम ही यही है कि पूरे शरीर से ब्लड को इकट्ठा करें और फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दे ऑक्सीजन को मिला करके। यानी जब इकट्ठा करता है तो उसमें ऑक्सीजन कम रहती है, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसमें ऑक्सीजन थोड़ी बढ़ जाती है। यही मेन काम है हर्ट का। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को हर्ट बीट ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथी में अच्छी दवाइयां हैं और उसमें से एक दवा की आज हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, जो हर्ट है ऐसा लगता है पेशेंट को कि पिंजरे में बंद हो गया है, जैसे कैक्टस ग्रैंडिफोलिया में भी लगता है कि हर्ट पूरा फैल सिकुड़ नहीं पा रहा है, उसके ऊपर शिकंजा जैसे कस दिया गया है। तो एक बात कि हर्ट को पिंजरे में बंद कर दिया गया है, कस दिया गया है, और दूसरी बात पूरे शरीर का ब्लड जो है हर्ट में ही आ गया है। अब सीधी सी बात है कि अगर ये हर्ट है, मान लीजिए इस तरह से चार चैम्बर का होता है हर्ट, तो पहले तो इसको सिकुड़ने और फैलने की जो स्पीड है उस पर रिस्ट्रिक्शन, यानी जितनी इंटेंसिटी से फैल सकता था, जितनी इंटेंसिटी से सिकुड़ सकता था, उसमें रिस्ट्रिक्शन है। और ऊपर से पूरे शरीर का ब्लड लगता ऐसा है, सीम टू बी सेंसेशन है ऐसा कि पूरे शरीर का ब्लड हर्ट में आ गया है। तो अब सीधी सी बात है कि हर्ट का रूल है कि जितना ब्लड उसमें आता है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो अपने पास कुछ रखता नहीं है। तो पल्पिटेशन हो जाए, धड़कन तेज हो जाएगी, और धड़कन तेज हो जाएगी तो वही पल्स रेट आप नापेंगे, देखेंगे तो 72 होना चाहिए, लेकिन वो नहीं रहता, 72 से बढ़ा हुआ रहता है और 150-170 तक भी पहुंच सकता है। तो इसी तरह के सिम्टम्स हैं। अब सीधी सी बात है कि अगर पूरे शरीर का ब्लड हर्ट में आ गया है तो शरीर के और पार्ट ठंडे से प्रतीत होंगे और चेस्ट में पेन होगा, दर्द होगा। तो इसी तरीके के सिम्टम्स हैं। सिम्टम देखिए लिखा है, सेंसेशन एज इफ, लगता है कि हर्ट वाज ग्रैब्स इन ए वेस, यानी हर्ट शिकंजे में आ गया है, जकड़ गया है। और दूसरा सेंसेशन क्या है, ब्लड हैज ऑल गॉन टू द हर्ट, फील्स फुल्स टू ब्रस्टिंग, यानी पूरे शरीर का ब्लड आ गया हर्ट में और इतना ज्यादा प्रेशर है कि हर्ट ब्रस्ट कर जाएगा और फट सकता है। इवन इतना तेज है कि पूरी जो वेन्स है उसमें फ्लटरिंग होती है, पल्पिटेशन हो दिखने लगता है, पल्सेशन ऑल ओवर ऑल बॉडी, यानी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं सब जगह पल्पिटेशन दिख रहा है, पल्सेशन ओवर ऑल बॉडी, इनएबिलिटी टू वॉक इरेक्ट, इतना ज्यादा पल्पिटेशन है कि झुक के चलता है पेशेंट, खड़े हो भी नहीं पाता। तो इस तरह का पल्सेशन है। और पल्पिटेशन की अगर बात करें तो फ्लटरिंग, सार पेन इन चेस्ट अवेकन एट नाइट, रात को पेन होता है और सोते हुए कंडीशन से पेशेंट जग जाता है। तो अगर ऐसा है तो होम्योपैथी की दवा से आपको रिस्पांस मिलेगा। और एक्सट्रीमिटी कोल्ड, कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट, यानी हाथ पैर ठंडे हैं, पल्स रेट ज्यादा है, हाथ पैर
ठंडे हैं, तो सीधी सी बात है कि ठंडे होने का और हार्ट में ज्यादा ब्लड आने का मतलब क्या है कि उधर सर्कुलेशन कम सा है, पूरा सर्कुलेशन हार्ट की तरफ आ गया है, इस तरह से वो ठंडे प्रतीत होते हैं। और रैपिड हार्ट बीट 150 से 170 पर मिनट लिखा है लेंस की नोट में कि हार्ट बीट 150 से 170 तक हो सकती है, हो जाती है। ऐसी स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन में आपको होम्योपैथी की मेडिसिन लिलियम टिग्रिनम लेना पड़ेगा। या जिनको भी हार्ट संबंधी कुछ दिक्कतें हैं वो घर पे इमरजेंसी के लिए आप इसको रख सकते हैं, लिलियम टिग्रिनम होम्योपैथी की मेडिसिन है, किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिलने वाली दवा है। और आप इसको लेंगे कैसे, लिलियम टिग्रिनम इसका आप मदर टिंचर ले लीजिए और 15 बूंद हाफ कप पानी में तीन बार दीजिए, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम इसको दीजिए। और इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप दे रहे हैं तो 5-5 बूंद जल्दी जल्दी रिपीट करें 5-5 मिनट में। तो इस तरह से सिम्टम्स से जो रैपिड हार्ट बीट है, चेस्ट का जो पेन है, पूरे बॉडी में ठंडापन लग रहा है, हार्ट में कंजेशन है और चेस्ट में भारीपन लग रहा है, इन सब से मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह से लिलियम टिग्रिनम बेहतरीन मेडिसिन है, आप इसका यूज करें। सिम्टम्स बस इस तरह से होने चाहिए, अगर ऐसा लगता है तो निश्चित आराम मिलेगा आपको, बीमारी ठीक होगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा, बात समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब भी कर दें, फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, किसी का भी भला हो सकता है आपके शेयर करने से। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक।